अल्लाह पाक ने
この雨がバッタそれ呼んだぞ。इन सामने कामयाबी और सुरखुर वस्ते बेशुमार ऐसे मजामीन जिक्र फरमाए हैं, उन्होंने जो कुछ मजामीन ऐसे हैं मसाइल हैं जिनके अल्लाह ने भी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज्यादा जोर दिता है उम्मत की तवज्जो दिलाने वास्ते। दुनिया चूंकि दारुल इम्तिहान है, इस दे अंदर हर एक शोबा और मरला हर एक फेल इंसान वास्ते इम्तिहान गुजरता है। जिंदगी दे अंदर दीन लिहाज नाल या दुनियावी लिहाज नाल अल्लाह पाक ने इंसान दे मुख्तलिफ इम्तिहान का मरहला है। अल्लाह नाल जुड़ जावण वाले इंसान किसी भी मरहले के अंदर कमजोरी दिखावे ईमान नहीं इजाजत देता। चूंकि ईमानदार और मुसलमान वास्ते दुनिया दारुल इम्तिहान है, मुख्तलिफ शक्ल बंदे उत्ते इम्तिहान आंद रहते हैं। कदे माल के लिहाज नाल, कदे औलाद के लिहाज नाल, कदे अमवात के लिहाज नाल, सुख और खुशी के मराहल भी होते हैं, दुख और दर्द के मराहल भी होते हैं। इम्तिहान आख्या भी उसनु जांदा है और होंदा भी उसे वास्ते है जेड़ा गैर की चीज कोलो दूर हो गए। जाहिर और बातिन दा इल्म रखण वाला हो गए फिर उसका इम्तिहान जरूरी ही नहीं। जेड़ा किसी चीज का इलम न रखना हो गए इम्तिहान भी उसे लिया होता है। किसी को जिंदगी के अंदर कहो जो घड़ियां आमनिया है फलां वक्त के अंदर मेरे नाल क्या गुजरना है, आवन वाली मुसीबत और उस घड़ी का किसी को इलम नहीं। तो फिर इम्तिहान भी उसे के अंदर होता है कि क्या दायरे इस्लाम के अंदर आने के बाद ईमान और इस्लाम का दावा करने तो बाद यह इंसान कितना है पुख्ता होके दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ मराहल और इम्तिहान का आना एक इंसान वास्ते मजीद कामयाबी और बुलंदी और तरक्की का निशान है। दूसरा नंबर
दूसरे नंबर ते यही अल्लाह फरमाया कलील मिन इबादी शुकूर रब दिया नेमता उत्ते शुक्रिया अदा करने वाले इंसान बहुत थोड़े हैं। फिर फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर अक्सर मकाम उत्ते अल्लाह पाक ने मुसलमान के इंसान को अपने ईमान की तहारत और तरक्की का जिक्र फरमाया। ईमान ले आंदा है दिल के अंदर पैदा किया है उसकी हिफाजत ने की। मिसाल दे तौर मेहनत की है जमीन कलर ते शोर अली गंदी है सरखैद नहीं उसके अंदर मेहनत की है पाउडर नाल मिसाले ते दवाइयां नाल ते हल्ला नाल हैरो नाल कील नाल सुहाके नाल बेहतरीन करके उसनों इस काबिल कीता है कि हुण उसके अंदर जीओ जिहा बीज रखिया जाए उस तो डबल इनाम हासिल कर सकता है। उस चीज को इस चीज की ताको है इस काम की जनाता इंसान ने अपनी मेहनत करके दिल सुथरा किया है साफ किया है उसके अंदर ईमान का बीज लगाया कलमे तो जिस तरह खेती बाड़ी की मकतम फरोख्त हिफाजत करेंदा है ईमान का बीज लगावन के बाद भी अपने दिल की हिफाजत कर उस ईमान ने बीज की हिफाजत कर अगर हिफाजत रख सी तो ही ईमान का शजर और दरख्त इतना बुलंद हो सी कि सारे दरख्त नालों कबीर अशजार हो सी यानी उस दिया शाखा अर्श मुअल्ला तक जाके बुलंदियां तक पहुंच जाए। ईमान यहां है उसकी हिफाजत अमली लिहाज नाल नहीं की थी चाहिदा था या कि ईमान ले आने के बाद उसकी हिफाजत करे कि ईमान मजीद तरक्की करे तरक्की की बजाय मजीद वधण की बजाय ईमान अगे नालों भी ज्यादा तरक्क गया नहीं ये कमजोर हो गया तो उसके अंदर खराबियां हैं अमली लिहाज ना सिर्फ ये नहीं मसले सीमा सारे तस्लीम खम कर लिया इत्तेमाई जवाब बादल फराय सारे तस्लीम खम कर लिया तवील बनने लिखने हराम एक तस्लीम कर लिया मुशरिक नाल ताल्लुक ते रिश्तेदारी लेन देन हो मुताबकत निकाह ये भी समझ लिया इस रूते अमल भी कर लिया दीनी लिहाज ला लिया हर किसी नाल जोड़ के रखना है मगर सब तो ज्यादा इस दौर के अंदर जी इंसान को छिकी लगनी है वो ये कि इंसान अब्दुल्लाह बन की बजाय अब्दुल दुनिया बन गया है दुनिया का मतलब इंसान बन के रह गया है जितनी रगबत इस दुनिया ना والذي يصلي عليكم وملائكته
मेरे वर्गे तेरे वर्गे ही नुकसान हम कि उन्हें भी नेत्र भी गल्ला नहीं खाते भी गल्ला नहीं बात बात में करी थे जिंदगी ना हर एक लम्हा दिला दा और खास इबादत का मरकज ते मेहर बना दे उसने बता है कि उन्होंने ईमान दिल दे अंदर ले आया है फिर उस तो बाद ईमान वाले बीज की हिफाजत की थी इतना हिफाजत नाल उसको बाण दे के हर दुनिया की मसायब ते हर शिर्क और कुफर दलालत दी चरिता को महफूज रखिया है कि शजर के दरख्त हुन इतना बुलंद हो गया है कि उसकी शाखा अर्श मुअल्ला नाल जाके टकरा दी कि अगर तस्लीम करेगा है जिस चूड़े चमार या मुसल्ली कुटाने का ईमान अर्श मुअल्ला तक दी शाखा पहुंची है कि अर्श के मलाइका के अंदर उन्हां दे दरमियान के सुचूड़े का जिक्र को नहीं होगा होना जदर ईमान भी इतना बुलंद हो गया ईमान बुलंद हो जाए तो इंसान की शान भी बुलंद हो गई जदर इतनी बुलंदी और मर्तबा मिलिया है तो फिर मलाइका के अंदर भी से दे तज़किरे ही तज़किरे होंगे तज़किरे होंगे ताँ ताँ अल्लाह पाक ने उसका मकाम ते मर्तबा नूरिया नूरी गद के बनाया अगर जे इस कुरान मुकद्दस दे हुक्म के मुताबिक सही माने दे अंदर अमल पैदा हो के जिंदगी गुजारे तो दिन कयामत दे भी अल्लाह करीम ने खुद फरमाया इमाम अल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कदर शक हुसैन फट से बंदे उठाए दे से तो उसने जेडे मोमिनीन मुस्लिमीन हो से उन कब्र विचो निकल से उन्होंने चेहरे अपने अरु ज्यादा रोगे रोशन की तरह खूबसूरत हो रहा ते जेड़ा अब तो दुनिया हो सी जो ही उसने उठाया वजड़ा तो उसने हाल दो हाई पाले बनी है उस अखना यार मैं कड़े मकाम दो ते आ गया मैं कड़ी जलालत दे अंदर तुसा फसा देता है एक के हो गया जेड़े ईमानदार ते मुसलमान हुसैन अल्लाह दी किताब नु ते अमल पैदा होके चलण वाले उना उठेवणा ते अखी मल ते अक्षन यार बड़े सुकून दी नींद आई पई क्यों जगाया था क्यों उठाया ने सन तो एक ईमान दा ताल्लुक है अल्लाह ने फरमाया अल्लाह लीना जिन्होंने ईमानदार बड़े हैं तो ईमान ले आंदा है अपनी जान दुते जुल्म बर्दाश्त कीते हैं दुनिया माफी आदिया तकलीफा बर्दाश्त की दिया है जिब्बा कटवाया है हाथ पैर कटवाए हैं मदनों में बदल हो है भूखा तसा बर्दाश्त की दिया है उन्होंने बीवी भी उन्होंने छोड़ दी उन्होंने पीना पुत्र भी अगले ने जबा कर दिते मगर मत भी तपले सुख सकून सलाम दी सलाम सलाम ताई दा अल्लाह फरमाया
ساری زندگی اللہ دی کتاب قرآن مقدس نو مقدم رکھیا ہے، سارے تو اگے رکھیا ہے، ہر معاملے دے اندر پہلے چناؤ کیتا ہے تے اللہ دی کتاب قرآن دا کیتا ہے۔ اللہ ہی فرمایا چونکہ قرآن تے محمد رسول اللہ دے خطاب تے فرمان نو اللہ دے لازم تے مرزوم بنایا ہے، دوویں دو نہیں ایک شے ہے۔ صحیح معنی دے اندر اگر کہ قرآن مقدس نو جولی دے اندر پا کے مطالعہ کرے پتہ لگ سی کہ اینے سبھی قرآن مقدس دا مطالعہ کیتا ہے تے محمد دے وجود نو جولی دے اندر پا لیا، مگر بے قدری بے شناسی اس سین رو کے جانے کہ جڑا خود اپنی جان دوتے ماتد الغنی یہ ظلم اپنی جان دوتے ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ دے میں کہہ دسیا اے مسئلے سارے مان لے جیڑا اپنے اندر تے ایمان دی طہارت تصحیح ہے، اللہ نے جتھے بھی حکم دتا ہے ایمان تے اسلام لے آمن تو بعد اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، جتھے امن تے سکون سلامتی ہے، جتھے صبر و تحمل ہے، جیڑی عبادت کی سارے دی ایمان تے سردار عبادت ہے، اللہ فرمایا ہے ضروری ہے اپنے مال نو اپنے اندر نو ظاہر تے باطن طیب تے طاہر رکھ لے، اگر جے مال دے لحاظ نال اللہ دے راہ تے دین دے لحاظ نال اگر کمی تے کوتاہی ہوئی تے وقت بھاویں نمازیں پڑھیاں اس دا کوئی بھی فائدہ ہے، کیونکہ عبادت نماز جتھے بھی قرآن مقدس دے اندر اللہ نے حکم دیتا ہے نال اپنی طہارت تے پاکیزگی دا بھی حکم دیتا ہے، جی حکم کل ہے انہی حکم کل عبادت۔ اچھا حکم کل اور حکم کل عبادت اندر جیڑا حق ہے نا اللہ کا وہ اگر کھاتا ہے مارے ہے اپنے پنجے تلے دیتا ہے معافی تلافی اللہ دے دربار دے اندر سر کے دل نال منگے غفور الرحیم ہے معاف کر سکدا ہے معاف کر دے سی، مگر جیڑا ہے نا حکم کل عبادت اس دے اندر او ایک دا مجرم نہیں بلکہ دو دا مجرم ہے، اللہ دے حکم دی خلافت نہیں کیتی ہے مگر اللہ دے بندے دا حق نہیں گوایا، اللہ اپنا حق تو اتنی اپنی رحمت نال بخش دیندا ہے معاف کر دیندا ہے، مگر جڑا بندے دا حق ہوے گربان ہے اس دا حق ہو نہ ہے بن قیامت دے وقت اس دی مرنی جس طرح حساب و کتاب ہے۔ صحیح معنی دے اندر سیانے تو صاحب یا تو جڑا پیو دی داڑی چاہتے او دوے کہنا کہنا دے، ہاں جی جڑا پیو دا نہیں لگدا تیرا میرا کوئی لگدا ہے، ابتدا تو لے کے انتہا تک جس نے اپنا فضل کیتا ہے کرم کیتا ہے رحمت کیتی ہے مہربانی نال نواز ہے جتن بندہ اس دا نہیں بنیا بندے دا بند بعد دے اندر رہندا ہے ایک چیز جس معاملے دے اندر انسان ہمیشہ خطا کرتا ہے، یہ ٹھیک ہی ہوتی اللہ کا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء بندے ایمان لے آنے مسلمان بن گئے دعوی ایمان تے اسلام دا کر لیا سو ہن در اسلام دے اندر آن تو بعد ہن جدن چلدے چلدے اللہ دا حق آیا ہے بندیاں دا یتیم غریب دا مسکین دا حق آیا ہے اللہ دے راہ تے چلن تے دیوان دے اندر جدا معاملہ آیا ہے اٹھ
इंसान दे ईमान नूं पाणी लगण दा मर्तबा ते मकाम आया। कलमा पढ़िया सू दर इस्लाम दे अंदर आया है। हुण अपने ईमान नूं मजीद तरक्की देवण वास्ते अल्लाह फरमांदा है, क्योंकि ओनू पता है जदन अल्लाह दे राहत उते देवण दा टाइम आना है तां इह सदका बंदे दे गुनाह खत्म करेंदा है। इह सदका बंदे दे उत्तों मुसीबतां ते नहूसतां ते बीमारियां लाइंदा है। इह उशर ते ज़कात बंदे दा अंदर ते बाहर साफ ते सुथरा करेंदा है। ओह क्योंकि वादा कीती खलोता है
ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ
Thank you.
कहे पैगंबर नु भी कोई नहीं दितियां, ना कहे नबी नु, ना कहे वली नु, ना कहे गौस ते कुतुब अब्दाल नु दितियां ने, ते ना नूरी ते ना नूरी नु दितियां ने, ते ना पल्ले दा आखिर नु दितियां ने। अल्लाह फरमांदा है जदा तन्नो अपनी जिंदगी दा माज करंदा वदा है, तैनू अपनी जिंदगी दा भरोसा नहीं कोई नहीं, केड़े मोड़ ते तो मन के मुक मन्ने, कहे नु किसे दा नहीं पता कोई नहीं।
अल्लाह दे पाक पैगंबर तशरीफ फरमाए, खारे थोड़ा जा गोश्त पिया, अल्लाह ने फरमाया लन तनालु बिर हत्ता तुनफिकून मिम्मा तुहिब्बून। इन ये रखी कुरान मुकद्दस दा मसला तो हमेशा चौबी घंटे वास्ते होना है। ये असा मौली स्पेशल कुर्बानी दे मौके ते बयान करें, अल्लाह दे राह उते सेवा दा टाइम आए ओ दा कोई टाइम टेबल है।
من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا जिंदगी दे तो मैं तेरे राह खर्च कर वेख लै अकल नाल सोच इथे अल्लाह इन पे आता है आदा है जेड़ा माल मैं तेनू दिता है उसनू मेरे राह उत्ते खर्च कर अपनी जिंदगी दे अंदर खर्च कर मौत दा पता कोई नहीं जे मौत आ गई तां दे कियामत तेरा उधर ते बहाना मैं अल्लाह मरना कोई नहीं क्यों क्यों इस वास्ते क्योंकि मैं आख्या है لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة میرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی دا نمونہ پیا ہویا اے تا قران دے اندر پیا ہویا اے میں تا نہیں تیرا عذر تے بہانہ مننا کیونکہ میرے محمد رسول اللہ کولوں جدا مال تے دولت سونا یا چاندی آنیا تا میرا پیغمبر सुख दी नींद भी नहीं समझा जे थोड़ी ओनू मेरे रात उत्ते खर्च ना कर देवे ते तए दुनिया वाले बंदे नू सुख दियां नींदरां तां तए तां गंदियां जदा मैं माल दौलत नाल धनिया पुनिया पिया वां तां ही अल्लाह फरमांदा अल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हबा वल फिज़्ज़ता अल्लाह करीम ने फरमाया ओ बंदे दे क़यामत दे वड़े खिसारे चांदी ते माल ते दौलत नूं पैसिआं नूं जोड़ जोड़ के अपने घर दे अंदर रखदे हुंदे आ ते जदां अल्लाह दे राह उत्ते देवण दा टाइम आवे तां उस वेख दियां खुरकण लग पैंदे ने ते जे अगर कोई बंदा मजबूर भी करे तां गंदा गंदा चौंक देंदे चंगा चंगा आप रख लैंदे क्यों
ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਲ ਦੇ ਰਹਿ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ
जमीन आसमान की विरासत सारी उसे आकड़ पे कर अल्लाह दे पाक पैगंबर कोई भी शरीयत मुतारा दे अंदर मसला आवे ए हो नहीं सकता जो अल्लाह दा पाक पैगंबर तैनू मैनू हुक्म करे ते खुद अमल ना करे क्योंकि पहले अमल मुहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाना है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बीमार थी ते बुखार दी हालत दे अंदर आपने छत्ती उत्ते हाथ मारिया है कोई एक दो दिरहम मिल गए ते जाके दिते हजरत अली नूं के मन के मेरे वास्ते बाजारों कोई शहर खेल के आओ क्योंकि बुखार दी हालत दे अंदर दिल ठंडी ते मिठी शहर वास्ते करदा पिया है। हजरत हजरत अली गए मन के बाजारों एक मोटा ताजा कंधारी अनार खरीद के लाए आंदा है तीने हाथ उत्ते चाई मदे ਬਣਾ ਰਾਂ ਦੀ ਥੱਲੀ
ਵਈ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮਨ ਮਨ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਤਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ